तो आज हम शुरू करने वाले हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल एंड मिनिमल पॉलीनोमियल ये दो चीज़ें पता होना चाहिए। अगर आपको इन दोनों चीज़ों का आइडिया नहीं है तो आप लीनियर एल्जेब्रा 2 के प्लेलिस्ट में जाकर इन दोनों चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ साई ए ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब एंड एम ए ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, जहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल गिवन है एक्स माइनस टू का होल क्यूब एंड मिनिमल पॉलीनोमियल गिवन है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ए मैट्रिक्स का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालना होगा। ओके, सो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले वी हैव साई ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब एंड एम ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए, इसे हम इक्वल्स टू लिख सकते हैं एक 3x3 मैट्रिक्स। लेकिन ए मैट्रिक्स 3x3 कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल का ऑर्डर 3 है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर 3 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी ऑर्डर 3 होगा। अभी अगर आप देखें तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल में जो फैक्टर है दैट इज एक्स माइनस टू, तो यहाँ पर एक्स माइनस टू है, तो यहाँ से हम 2 2 2 डायगोनल एलिमेंट में लिख सकते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म वाले मैट्रिक्स के। तो यहाँ पर हमें 3x3 मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स मिल गए हैं। अभी क्वेश्चन में हमें जो दूसरा इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट इज एम ए ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मिनिमल पॉलीनोमियल का जो ऑर्डर है दैट इज 2, क्योंकि एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से ऑर्डर 2 होगा। मतलब कि हमें 2x2 का एक मैट्रिक्स मिलेगा जहाँ पर डायगोनल एलिमेंट के अलावा भी एक एलिमेंट नॉन जीरो है, मतलब कि हमें 2 2 0 1 इस टाइप का एक मैट्रिक्स मिलेगा। यहाँ पर 1 भी हो सकता है या फिर अदर कोई एलिमेंट भी हो सकता है, हम सिंप्लीफिकेशन के लिए 1 ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हमें 2x2 का एक वैसा मैट्रिक्स मिलेगा, सो 2 1 0, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। तो हमें साई ए ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब एंड एम ए ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ये दो पॉलीनोमियल के लिए जो ए मैट्रिक्स का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मिलेगा दैट इज 2 1 0 0 2 0 0 0 2, जो कि एक 3x3 का मैट्रिक्स है। अभी अगर हमारे पास एम ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब गिवन होता तो यहाँ पर हमें जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मिलता दैट विल बी इक्वल्स टू 3x3 का मैट्रिक्स सच एज 2 1 0 0 2 1 0 0 2, तो हमें ए वाला मैट्रिक्स मिलता। ओके, अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल साई ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू टू पावर 4 इंटू एक्स माइनस 5 का होल क्यूब गिवन है एंड एम ए ऑफ एक्स मतलब कि मिनिमल पॉलीनोमियल इक्वल्स टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5 का होल क्यूब गिवन है। तो यहाँ से हमें ए का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालना है। ओके, सो सॉल्यूशन वी हैव, तो हमारे पास गिवन है कि साई ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू का होल टू द पावर 4 इंटू एक्स माइनस 5 का होल क्यूब एंड एम ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5 का होल क्यूब। तो यहाँ से दी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, हमें एक 7x7 का मैट्रिक्स मिलेगा क्योंकि हमारे पास साई ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू का होल टू द पावर 4 एंड एक्स माइनस 5 का होल क्यूब गिवन है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल का ऑर्डर 7 है, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी ऑर्डर 7x7 होगा। तो यहाँ पर एक्स माइनस टू एक फैक्टर है एंड एक्स माइनस 5 एक फैक्टर है, और एक्स माइनस टू का पावर में 4 है एंड एक्स माइनस 5 के पावर में 3 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो 2 है वो 4x4 मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट में एग्जिस्ट करेगा और जो 5 है वो 3x3 मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन हमें यहाँ पर मिनिमल पॉलीनोमियल इक्वल्स टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर गिवन है एंड एक्स माइनस 5 का होल क्यूब गिवन है। तो यहाँ से हमें जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मिलेगा वो होगा 2 1 0 2, डायगोनल एलिमेंट में 2 एलिमेंट एंड यहाँ पर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो मिनिमल पॉलीनोमियल का डिग्री है वो 2 है, तो हमें 2 1 0 2 एक मैट्रिक्स मिलेगा और उसके बाद 2 2 हमें मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 का जो डिग्री है वो 4 है, तो यहाँ पर 4 एलिमेंट होंगे ऐसे जहाँ पर डायगोनल एलिमेंट में 2 एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो इसे हम अगर पूरा लिखें तो कुछ ऐसा होगा।
ओके अभी हमारे पास x माइनस फाइव का होल क्यूब गिवन है कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल में, एंड जो मिनिमल पॉलीनोमियल है वहाँ पर भी x माइनस फाइव का होल क्यूब गिवन है। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट में 5 के अलावा भी हमें और भी नॉन जीरो एलिमेंट्स मिलेंगे। ओके सो यहाँ पर एक 3×3 मैट्रिक्स आएगा। तो हमें सॉल्यूशन के बाद जो 7×7 का मैट्रिक्स मिलेगा वो कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पर जो 3×3 मैट्रिक्स है दैट इज 5 1 0 0 5 1 एंड 0 0 5। अभी हम इस ए मैट्रिक्स को एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज ए इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ 2 1 0 2, उसके बाद दो एलिमेंट्स 2 एंड 2, एंड आखिर में 5 1 0 0 5 1 एंड 0 0 5। ठीक है,